हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक सॉल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो बहुत छोटा होगा। जब भी आपको नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसका जो डेस्कटॉप आइकन होता है उसके साथ साथ एक एरो भी ऐड हो जाता है। जैसे देखिए, मेरे फिल्मोरा पे एक एरो लगा हुआ है, कैमटीसीआई स्टूडियो पे, गूगल क्रोम पे, व्हाट्सएप पे, इस सब पे एक छोटा छोटा एरो लगा है जो दिखाता है कि ये शॉर्टकट है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप उसे रिमूव कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना है, विंडो प्लस आर की प्रेस करना है और वही हमें नॉर्मल टाइप करना है, रैगरिट REGEDIT। उस बार इंटर हिट कर दीजिए, यस कीजिए। आपको एच की क्लास रूट को एक्सपेंड करना है, उसके बाद ढूंढना है इसमें LN के फाइल। हम इसे स्क्रॉल करते हैं, देखिए ये रहा L नाम से जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं हमारे डेस्क रैग एडिट में, तो किसी पे भी एक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए ये रहा हमारा LN के फाइल, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए इधर हमारा ये रहा IS शॉर्टकट, इसे हमें सेलेक्ट करना है। उस पर राइट क्लिक करके रीनेम पे जाना है और आपको इसमें कुछ नहीं करना, एक अंडरस्कोर लगा देना है। उस पर आपको टाइप करना है OLD ओल्ड। अब हमारा काम हो गया, अब इसे हम कट कर देते हैं। देखिए अभी ये रिमूव नहीं हुआ है, चाहे आप रिफ्रेश कर लो। हमें इसके लिए अपने PC को रिस्टार्ट करना है। हमें अपना स्क्रीन रिकॉर्डर स्टॉप करता हूँ। देखिए हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया है। अब देख लीजिए किसी भी एप्लीकेशन पे शॉर्टकट का एरो नहीं शो कर रहा है, ना ही हमारे फिल्मोरा पे, ना कैमटीसिया पे, ना गूगल क्रोम, टर्बो सी, व्हाट्सएप, किसी पे भी शॉर्टकट का एरो शो नहीं हो रहा है। आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना करें और कंप्यूटर को रिस्टार्ट जरूर करें, तभी ये ट्रिक वर्क करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।